आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के 16 संस्कार के बारे में। अक्सर हम सुनते तो हैं कि हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग जानते हैं उन 16 संस्कार के बारे में। तो आज इसी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, कौन से हैं वो 16 संस्कार और संस्कारों के क्या महत्व हैं और ये हमारे जीवन पर कैसे असर डालते हैं। शास्त्रों के अनुसार आपको बताएं तो मनुष्य जीवन के लिए कुछ आवश्यक नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना हमारे लिए आवश्यक माना जाता है। मनुष्य जीवन में हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से 16 संस्कारों का पालन करना चाहिए। ये संस्कार व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक अलग अलग समय पर किए जाते हैं। प्राचीन काल से ही इन 16 संस्कारों के निर्वहन की परंपरा चली आ रही है। हर संस्कार का अपना अलग महत्व है। जो व्यक्ति इन 16 संस्कारों का निर्वहन नहीं करता, उसका जीवन अधूरा ही माना जाता है। चलिए अब जानते हैं 16 संस्कारों के बारे में। तो पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। ये ऐसा संस्कार है जिससे हमें योग्य, गुणवान और आदर्श संतान प्राप्त होती है। शास्त्रों में मनचाही संतान प्राप्त करने के लिए गर्भधारण संस्कार किया जाता है। इसी संस्कार से वंश वृद्धि होती है। आगे जानते हैं और संस्कारों के बारे में। पुंसवन संस्कार। गर्भस्थ शिशु के बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए ये संस्कार किया जाता है। पुंसवन संस्कार के प्रमुख लाभ ये हैं कि इससे स्वस्थ, सुंदर, गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। आगे जानते हैं अगले संस्कार के बारे में। तो सिम्नोत्यन संस्कार। ये संस्कार गर्भ के चौथे, छठे और आठवें महीने में किया जाता है। इस समय गर्भ में पल रहा बच्चा सीखने के काबिल हो जाता है। उसमें अच्छे गुण, स्वभाव और कर्म का ज्ञान आए, इसके लिए माँ उसी प्रकार का आचार विचार, रहन सहन और व्यवहार करती है। अगला संस्कार है जात कर्म संस्कार। बालक का जन्म होते ही इस संस्कार को करने से शिशु के कई प्रकार के दोष दूर होते हैं। इसके अंतर्गत शिशु को शहद और घी चटाया जाता है, साथ ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है ताकि बच्चा स्वस्थ और दीर्घायु हो। तो अगला संस्कार है नामकरण संस्कार। शिशु के जन्म के बाद 11वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। ब्राह्मण द्वारा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बच्चे का नाम तय किया जाता है। अगला संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का अर्थ है बाहर निकालना। जन्म के चौथे महीने में ये संस्कार किया जाता है। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, उससे बना है। इसलिए पिता इन देवताओं से बच्चे के कल्याण की प्रार्थना करते हैं, साथ ही कामना करते हैं कि शिशु दीर्घायु रहे और स्वस्थ रहे। अगला संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। ये संस्कार बच्चे के दांत निकलने के समय अर्थात 6 से 7 महीने की उम्र में किया जाता है। इस संस्कार के बाद बच्चे को अन्न खिलाने की शुरुआत होती है। इसी प्रकार से अगला संस्कार है मुंडन संस्कार। जब शिशु की आयु 1 वर्ष हो जाती है तब या 3 वर्ष की आयु में या 5वें या 7वें वर्ष की आयु में बच्चे के बाल उतारे जाते हैं, जिसे मुंडन संस्कार कहा जाता है। इस संस्कार से बच्चे का सिर मजबूत होती है तथा बुद्धि तेज होती है। साथ ही शिशु के बालों में चिपके कीटाणु नष्ट होते हैं, जिससे शिशु को स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। अगला संस्कार है विद्या आरंभ संस्कार। इस संस्कार के माध्यम से शिशु को उचित शिक्षा दी जाती है। शिशु को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराया जाता है। इसी प्रकार अगला संस्कार है कर्ण वेद संस्कार। इस संस्कार में कान छेदे जाते हैं। इसके 2 कारण हैं, एक आभूषण पहनने के लिए, दूसरा कान छेदने से एक्यूपंचर होता है। इससे मस्तिष्क तक जाने वाली नसें में रक्त का प्रवाह ठीक तरह से हो पाता है। इससे श्रवण शक्ति बढ़ती है और कई रोगों की भी रोकथाम होती है।
अगला संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। उप यानी पास और नयन यानी ले जाना। गुरु के पास ले जाने वाले का अर्थ है उपयन संस्कार। आज भी ये परंपरा है। जनेऊ यानी यज्ञोपवीत में तीन सूत्र होते हैं। ये तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक होते हैं। इस संस्कार से शिशु को बल ऊर्जा और तेज की प्राप्ति होती है। अगला संस्कार है वेदारंभ संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत व्यक्ति को वेदों का ज्ञान दिया जाता है। अगला संस्कार है केशांत संस्कार। केशांत संस्कार का अर्थ है केश यानी बालों का अंत करना, उन्हें समाप्त करना। विद्या अध्ययन से पूर्व भी केशांत किया जाता है। मान्यता है गर्भ से बाहर आने के बाद बालक के सिर पर माता पिता के दिए बाल ही रहते हैं। इन्हें काटने से शुद्धि होती है। शिक्षा प्राप्ति के पहले शुद्धि जरूरी है ताकि मस्तिष्क ठीक दिशा में काम करे। पुराने समय में गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद केशांत संस्कार किया जाता था। अगला संस्कार है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार का अर्थ है फिर से लौटना। आश्रम या गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद व्यक्ति को फिर से समाज में लाने के लिए ये संस्कार किया जाता है। इसका आशय है ब्रह्मचारी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से जीवन के लिए संघर्षों के लिए तैयार किया जाना। इसी प्रकार से अगला संस्कार है विवाह संस्कार। ये धर्म का साधन है। विवाह संस्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। इसके अंतर्गत वर और वधु दोनों साथ रहकर धर्म के पालन का संकल्प लेते हुए विवाह करते हैं। विवाह के द्वारा सृष्टि के विकास में योगदान दिया जाता है। इसी संस्कार से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त होता है। अगला और अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार इसका अर्थ है अंतिम संस्कार। शास्त्रों के अनुसार इंसान की मृत्यु यानी देह त्याग के बाद मृत शरीर अग्नि को समर्पित किया जाता है। आज भी शव यात्रा के आगे घर से अग्नि जलाकर ले जाई जाती है। इसी से चिता जलाई जाती है। आशय है विवाह के बाद व्यक्ति ने जो अग्नि घर में जलाई थी उसी से उसके अंतिम यज्ञ की भी अग्नि जलाई जाती है। तो ये थे हिंदू धर्म के 16 संस्कार। अब आपको भी पता चल गए होंगे कि हिंदू धर्म के इन 16 संस्कारों के बारे में।